हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बाड़मेर पंचायत चुनाव को लेकर रालोपा सक्रिय बैठक का दौर शुरू। भाजपा कांग्रेस को टक्कर देने की तैयारी में तीसरी ताकत बन रही आरएलपी। बाड़मेर में जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य के चुनाव की घोषणा के बाद जहां प्रमुख पार्टियां कांग्रेस और भाजपा निर्वाचन के लिए आवेदन एकत्रित कर रही हैं, इसी बीच तृतीय विकल्प के रूप में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भी इन चुनावों में ताल ठोक चुकी है। तीन दिन पूर्व जहां भाजपा कांग्रेस ने बैठकों का आयोजन कर पंचायत समिति एवं जिला परिषद सदस्य के लिए आवेदन एकत्रित किए, वहीं सोमवार को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के उपाध्यक्ष एवं पार्टी के नव नियुक्त जिला अध्यक्ष सुधाराम मेघवाल ने शिवकर रोड स्थित बैठक का आयोजन कर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की नवीन कार्यकारिणी गठित की। शहर के शिवकर रोड पर हुई बैठक में बाड़मेर पंचायत समिति समेत जिले के अन्य पंचायत समितियों के लोगों का हुजूम उमड़ा। बैठक को संबोधित करते हुए आरएलपी के जिला अध्यक्ष सुधाराम मेघवाल ने आरोप लगाया कि सत्ताधारी कांग्रेस और विपक्षी भाजपा ने हमेशा वोट के लिए अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को लुभाने का प्रयास किया है, लेकिन वास्तविकता में उन्हें पिछड़ा ही रखा गया है। बैठक में मेघवाल ने कहा कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी SC ST वर्ग के लोगों के साथ समस्त वर्ग के लोगों को अपने साथ लेकर चलेगी। साथ ही कम समय में पार्टी पर आम जन ने जिस तरह से भरोसा दिखाया है उसे देखकर लगता है कि इस बार जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के चुनावों में हम भाजपा कांग्रेस से लोहे के चने चबवा देंगे। साथ ही मेघवाल ने जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों की कई सीटों पर काबिज होने का भी दावा किया है। आरएलपी तीसरे विकल्प के रूप में राजस्थान में पंचायती राज का चुनाव लड़ रही है। हमारा किसी भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस से कोई समझौता नहीं है। हम स्वतंत्र रूप से आरएलपी के बैनर पे बोतल के निशान पर चुनाव लड़ा करके पंचायत समिति सदस्य जिला परिषद और प्रधान प्रमुख अपने बूते पे बनाना चाहते हैं। कम समय में हमें जिम्मेवारी मिलने के बाद में आज जो जिस प्रकार का हुजूम उमड़ा है इससे आज और कल और जिस प्रकार के सामान्य 36 कौम के लोग जो आरएलपी में विश्वास करके जो पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं उससे मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इन दोनों पार्टियों का खेल बिगड़ने वाला है और काफ़ी जगह हमारा बोर्ड बनने जा रहा है और काफ़ी जगह महाराष्ट्र की तर्ज पे आरएलपी को मजबूरन ये दोनों पार्टियां होड़ लगा करके समर्थन देगी और हमारे प्रधान और प्रमुख का भी खेल हमारे हाथ में ही रहेगा। जागरूक टीवी के लिए बाड़मेर से ठाकरा राम मेघवाल की रिपोर्ट।